सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल का 12वां सीजन अपने चरम पर है। शो में कुल 11 कंटेस्टेंट्स बचे हैं और हो सकता है कि इस वीक सीजन को टॉप 10 कंटेस्टेंट्स मिल जाएं। वहीं सोशल मीडिया पर चल रही रिपोर्ट्स की माने तो इंडियन आइडल 12 फैंस के लिए एक बुरी खबर है। खबर है कि इंडियन आइडल का ये सीजन 27 मार्च को खत्म होने वाला है। मतलब साफ है कि दर्शकों को केवल 20 दिन और एंटरटेनमेंट मिलेगा। खबरों की माने तो शो को ऑफ एयर होने में केवल 3 वीकेंड यानी कुल 6 एपिसोड बचे हैं। इसका एक कारण शो को मिल रही कम टीआरपी भी है। हालांकि कुल 6 एपिसोड्स में 10 कंटेस्टेंट्स को एलिमिनेट कर शो का विनर घोषित करना मेकर्स के लिए तो लगभग असंभव सा लग रहा है। फिर ये खबर आई कहां से? दरअसल सोनी पर 27 मार्च से एक नया शो शुरू हो रहा है। इसका नाम सुपर डांसर चैप्टर 4 है। इस शो की टाइमिंग हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे रखी गई है। फिलहाल इस समय पर इंडियन आइडल 12 टेलीकास्ट हो रहा है। बस यही से फैंस को लगता है कि मेकर्स आनन फानन में एलिमिनेशन कर शो को खत्म करेंगे और फिर इंडियन आइडल 12 को नया शो रिप्लेस कर देगा। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वही कुछ लोगों का मानना है कि शो के मेकर्स शो को एक नए समय से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि शो की टाइमिंग आगे खिसका सकते हैं। अब देखना होगा कि मेकर्स क्या फैसला करते हैं। अगर बात करें इस सीजन की तो फिलहाल शो में कुल 10 कंटेस्टेंट्स बचे हैं। इनमें सवाई भाट, पवनदीप राजन, मोहम्मद दानिश, शनमुख प्रिया, अरुणिता कांजीलाल, सायली काबले, निखिल तौरे, आशीष कुलकर्णी, अंजलि गायकवाड़ और नचिकेत लेले शामिल हैं। टेलीविजन जगत से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।